हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन एहतेशाम में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तीन ऑप्शन और इसी तरह दे देते हैं एसी से मिलते जुलते ही। तो उसमें सही ऑप्शन छांटना होता है कि एसी की फुल फॉर्म जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब ये एक्चुअली में है क्या? ये हमारी साइन वेव बनी है, ये हो गया इसका पॉजिटिव हाफ, ये हो गया इसका निगेटिव हाफ। अब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट क्या है? ये इसका जीरो मान है, शून्य, और ये इसका मैक्सिमम मान है, वैल्यू। यहां भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम अधिकतम मान। ये इसके शून्य जीरो, यानी कि यहां से यहां तक जो इसका मान है वो जीरो है, शून्य कुछ भी नहीं, और यहां पर इसका मान अधिकतम। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ में भी एक बार ये अपने अधिकतम मान पर जाएगी और निगेटिव हाफ में भी एक बार ये अपने अधिकतम मान पर जाएगी। अब बात करते हैं ये चलती कैसे है। अब मान लीजिए यहां पर एसी सप्लाई है हमारी, अल्टरनेटिंग करंट हमारी यहां पर है जीरो मान पर। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये अपने अधिकतम मान की ओर पहुंचती है। जब अपने अधिकतम मान पर आ जाती है, फिर अधिकतम मान पर मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद ये फिर धीरे धीरे अपने जीरो मान पर वापिस आती है। मैक्सिमम वैल्यू से फिर ये मिनिमम वैल्यू यानी कि जीरो मान पर पहुंचते हैं, यहां पर आकर इसका मान जीरो हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे पॉजिटिव हाफ में ऊपर को गई थी, ऐसे ही निगेटिव हाफ में अपनी दिशा बदलेगी और अपना मान भी बदलेगी। फिर ये धीरे धीरे निगेटिव हाफ में अपने अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, और यहां पर आकर ये अपने अधिकतम मान पर आ जाती है। अब यहां पर आने के बाद फिर धीरे धीरे अपने ये जीरो मान की ओर चलती है। अब जी यहां पर आने के बाद इसका मान जीरो हो जाता है, ठीक। अब 1 सेकंड में ये यहां से यहां तक 50 चक्कर लगाती है, 50 साइकिल, साइकिल मतलब चक्कर। यहां से यहां तक 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, के भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आप कोई भी उपकरण लेने जाओगे, जैसे मान लीजिए बल्ब ही लेने गए मार्केट में, तो उस पे लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, तो वो हर्ट यही होता है 50 फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में 50 बार अपने अधिकतम मान पर जाएगी एसी सप्लाई और 50 बार अपने जीरो मान पर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एसी सप्लाई के संपर्क में आते हैं तो उसको वो छोड़ती कैसे है। आदमी कहता है कि मैं सप्लाई सप्लाई के संपर्क में आ गया था, मुझे करंट लग गया था और उसने मुझे फेंक के मारा दूर, तो किसी को कोई फेंकता नहीं। क्या होता है कि आदमी झटका लगाता है अपने आप के। अब वो झटका कब लगता है? जब एसी सप्लाई यहां पर है और हम इसके संपर्क में आ गए, तो भी इसका मान बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। जब यहां पर आ जाएगा तो अपने मैक्सिमम मान पर होगी, अधिकतम मान पर। हम कितनी भी कोशिश कर ले इससे छूटने की, छूट नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है कि जब अपने जीरो मान पर आ जाती है ये, तो ये हमें एक मौका देती है छूटने का, कि हम अपना आप ही छूट जाए। लेकिन ये मौका बहुत कम, सेकंड से भी 1 सेकंड का 50वां हिस्सा मौका मिलता है हमें छूटने का। अगर संभल गए ठीक, अगर नहीं संभले तो फिर जब ये अपने जीरो मान से अधिकतम मान की ओर बढ़ना शुरू कर देगी, तो हम इससे बच नहीं पाएंगे, हम इसमें चिपके ही रहेंगे।
फिर अधिकतम मान से फिर जब ये अपने जीरो मान पर आ जाएगी एक बार, फिर मौका दे रही है हमें छूटने का। तो यही पल, यही सेकंड का 50वां हिस्सा होता है हाथ को बाहर निकालने का करंट से, जिसको हम कहते हैं कि हमें करंट लग गया था लेकिन हमने अपना हाथ खींच लिया, या किसी ने डंडे से पीछे धक्का दे दिया। तो वो डंडे से पीछे धक्का देना, उसका धक्का देना और यहाँ पर एसी सप्लाई का जीरो होना, जब आपस में मिल जाएगा तो आदमी छूट जाएगा खुद ब खुद ही। तो हम कह सकते हैं कि जब अपने जीरो मान पर आएगी तो यह हमें छूटने का अपने आप ही मौका देती है, लेकिन वो छूटने का मौका बहुत कम होता है। और करंट लगने के बाद आदमी की जो मेंटेलिटी होती है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक, अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो वो छूटना भूल जाएगा कि तो छूटना भी है। काम करना तो बंद कर ही देती है वो, उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती, वो किसी को कह भी नहीं पाता कि मुझे करंट लग रहा है, मुझे वोल्टेज लग रही है, मुझे छुड़ा लो। उसको तो बस महसूस ही कर सकते हैं कि हाँ इसको करंट लग रहा है। तो खैर ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है अपने जीरो मान से अधिकतम मान पर, अधिकतम मान से जीरो, फिर निगेटिव हाफ में अधिकतम मान, फिर जीरो मान पर। अब 1 सेकंड में ये 50 बार छूटने का मौका देती है, 1 सेकंड में 50 बार। तो 1 सेकंड का 50वां हिस्सा हमें छूटने का मौका मिलता है, यानी कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 0.00001, यानी कि 1 सेकंड का 50वां हिस्सा बहुत कम होता है छूटने के लिए, इसीलिए आदमी पकड़ में रहता है इसकी। तो जब आदमी छूटता है तो वो जीरो मान पर आने के बाद ही छूटता है। आदमी कहते हैं कि वो तो मैंने डंडे से इसको हटा दिया था, या मैंने अपना हाथ खुद ही खींच लिया था। तो वो क्या है, जब जीरो मान पर आ जाती है तो आदमी खुद ही पीछे हट जाता है, वो छोड़ देती है, या ऐसे में कोई आके डंडे से कर दे और इधर जीरो मान आ गया, क्योंकि पता तो चलता नहीं कि जीरो मान कब है ना, ये दिखाई देती, वो तो बस डंडा लगाया हमने उसे, उस सेकंड का 50वां हिस्सा आया और पीछे कर दिया। तो जब दोनों मिल जाएंगे आदमी करंट से हट जाएगा। तो ये थी हमारी अल्टरनेटिंग करंट। अब इसकी फुल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो इसकी ये होती है, अल्टरनेटिंग करंट। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार लिखा जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, एक स्पेलिंग सही होगी, बाकी 3 स्पेलिंग कुछ गलत होगी। तो जिसको सही स्पेलिंग पता होगा या जिसको पता होगा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो उस पर ही निशान लगा देगा। तो ये थी हमारी अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और आपकी ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन होता है उसको प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते चलें। शुक्रिया।